हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिमेनिंग ऑफ योर चैप्टर 5 द विंडोज डेस्कटॉप। यहीं से आपको स्टार्ट कराना था, आपका 2 पेजेस कंप्लीट हो गए थे। द विंडो डेस्कटॉप विंडो, व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑटोमेटिकली लोडेड एंड द फॉलोइंग स्क्रीन कम्स अप इन अ शॉर्ट टाइम्स। तो जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली लोडेड होने लगता है और जो स्क्रीन होती है वो आपकी ऑटोमेटिकली आने लगती है। इस टाइप की स्क्रीन देखिए आपकी आने लगती है। तो ये आपके आइकन्स हैं, ये आपका स्टार्ट बटन है, यहाँ पर ये आपकी टास्क बार है, ये नीचे वाली लाइन आपकी टास्क बार होती है और ये क्लॉक होती है। ये आपकी विंडो की स्क्रीन ओपन होने लगती है, इसको विंडो डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? विंडो डेस्कटॉप। तो दिस इज़ कॉल्ड द विंडो डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप इज़ द वर्किंग स्पेस ऑफ विंडोज। इट प्रोवाइडेज अस ऑल द लिंक्स टू ऑपरेट एंड यूज़ द कंप्यूटर। दिस इज़ कॉल्ड, इसको क्या, विंडो डेस्कटॉप कहते हैं। और ये डेस्कटॉप इज़ द वर्किंग स्पेस होता है हमारे विंडोज़ का। इट प्रोवाइडस, ये प्रोवाइड करता है हमको लिंक टू ऑपरेट एंड यूज़ कंप्यूटर, ऑपरेट करने के लिए और कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। डेस्कटॉप और वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का देखिए डेस्कटॉप ये खुल के आता है, डेस्कटॉप और अनदर कंप्यूटर का डेस्कटॉप इस टाइप से खुल के आ सकता है। द डेस्कटॉप ऑफ वन कंप्यूटर मे लुक डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनदर कंप्यूटर, बट द डेस्कटॉप विल ऑलवेज हैव सम कॉमन ऑब्जेक्ट्स लाइक आइकन्स, टास्क बार एंड स्टार्ट बटन। देखिए दो कंप्यूटर हैं, अगर दोनों कंप्यूटर का एक डेस्कटॉप देखिए आपका इस तरीके से स्टार्ट है, दूसरा इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सी कॉमन चीज़ें होती हैं। अब ये डेस्कटॉप की स्क्रीन तो अलग है, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट बटन भी होता है, आइकन्स भी देखिए दिए हुए हैं और नीचे आपकी ये आपका टास्क बार आ गया, स्टार्ट बटन क्या, ये क्लॉक आ गई, ये सब में होगा, बस आपकी स्क्रीन बदल जाएगी, पिक्चर्स चेंज हो जाएंगे। अब आइकन्स क्या होते हैं आपके, ये आप पढ़ेंगे पेज नंबर 29 में, आप पढ़ेंगे आइकन्स। आइकन्स क्या होता है, वी कैन सी सम स्मॉल पिक्चर्स ऑन द विंडोज़ डेस्कटॉप। विंडो डेस्कटॉप में देखिए यहाँ पे छोटी छोटी जो पिक्चर्स दिख रही हैं स्मॉल, इन्हीं को हम आइकन्स कहते हैं, दीज आर कॉल्ड आइकन्स, इनको आइकन्स कहते हैं। ईच आइकन्स इन अ लिंक टू ओपन एंड यूज द ऑब्जेक्ट इट रिप्रेजेंट्स। ईच आइकन्स हैज सम डिस्क्रिप्शन अंडर इट दैट टेल अस समथिंग अबाउट इट, जस्ट डबल क्लिक द आइकन्स टू यूज इट। अब ये जो आइकन्स होती हैं इनमें एक लिंक होता है जो हम यूज़ करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच आइकन में उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती हैं, वो मुझे हम लोगों को बताता है और उस आइकन को हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। द मोस्ट कॉमन आइकन्स कौन से हैं डेस्कटॉप में, ऊपर माई कंप्यूटर, माई डेस्कटॉप और रिसाइकल बिन, ये 3 मेन कॉमन होते हैं, ये तो ज़रूर ही होते हैं आपके उसमें। रिसाइकल बिन में क्या होता है, जितना भी डिलीटेड आइटम होता है वो रिसाइकल बिन में आपका चला जाता है, और माई कंप्यूटर में सारे आपके मेन सारे आपके उसमें फोल्डर होते हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, फाइलें होती है। सॉरी, लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज आइकन्स। अब इन आइकन्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए माई कंप्यूटर का आइकन्स इस तरीके से विंडो टाइप का बना होता है। द माई कंप्यूटर आइकन्स लेट अस नो एवरीथिंग अबाउट द कंप्यूटर। इस आइकन के अंदर हम जान सकते हैं कि कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी होती है। फॉर फाइल्स के बारे में, स्टोर फाइल जो स्टोर की गई फाइलें हैं, फोल्डर्स और प्रोग्राम्स हैं। इट आल्सो हेल्प इन स्टोरिंग, अरेंजिंग एंड फाइंडिंग फाइल्स ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारी हेल्प करता है डाटा ये स्टोर करने में, अरेंजिंग करने में फाइल को, और किसी भी फाइल को अगर हमें फाइंड करना है तो उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब माई डॉक्यूमेंट्स देखिए इस तरीके की पिक्चर होती है माई डॉक्यूमेंट्स की। दिस आइकन रिप्रेजेंट अ फोल्डर, ये एक फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट प्लेस ऑन द हार्ड डिस्क वेयर वी कैन सेव अवर फाइल्स एंड ओपन दैम क्विकली। ये हम लोगों को बहुत ही आसान होता है कि हम इसमें अपना कोई भी फाइल सेव कर सकें और जब हमें ज़रूरत हो तो उसको क्विकली तुरंत ओपन कर सकें। सेव भी रहती है यहाँ पर, जैसे डाटा डिलीट होता है तो इस हम कहाँ कहीं पर अपना डाटा स्टोर करते हैं तो वो डिलीट नहीं होता है। और रिसाइकल बिन का विंडो देखिए ये इस तरीके की पिक्चर यहाँ बनी होती है। दिस आइकन रिप्रेजेंट अ फोल्डर वेयर ऑल द फाइल्स दैट वी डिलीटेड फ्रॉम अवर कंप्यूटर आर स्टोर्ड। जितनी भी फाइलें हम वहाँ पर डिलीट करते हैं अब अपने कंप्यूटर में, वो सारी रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाती हैं। इट इज़ यूज इफ़ वी एक्सीडेंटली डिलीटेड सम फाइल्स, वी कैन ईजिली रिस्टोर सच अ फाइल फ्रॉम द रिसाइकल बिन एज
इफ़ इट वॉज नेवर डिलीटेड। अब जैसे हम लोगों ने कोई भी फाइल, हम लोगों से गलती से डिलीट हो गई कोई फाइल और हमें उसको रिस्टोर करना है, तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे रिसाइकल बिन में हमने कोई फाइल, हमें बहुत ज़रूरी फाइल थी जो हमने गलती से डिलीट कर दी है लेकिन हमको नहीं करनी चाहिए थी, तो हम लोग रिसाइकल में जाकर उसको रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर रिसाइकल बिन से कोई फाइलें सब डिलीट कर देंगे उसके बाद जाकर वहाँ पर डिलीट कर देंगे, तो फिर वो परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं। पहले हम लोग कोई फाइल डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती हैं। अगर हमको कभी भी उसको रिस्टोर करना होगा तो उसी से हम लोग उसको रिस्टोर कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया रिसाइकल बिन में क्या होता है। अब आपका आ गया टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? टास्क बार अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ये हमारे स्क्रीन के बॉटम में होती हैं। इफ़ इट हैज़ अ स्टार्ट बटन, इसके स्टार्टिंग में स्टार्ट बटन होता है ऑन द लेफ्ट में, एंड क्लॉक जो होती है वो राइट में होती है, यहाँ राइट में क्लॉक होती है, विच शोज द टाइम, जो टाइम हमको दिखाती रहती है। इट ऑल्सो शोज अ बटन फॉर ईच प्रोग्राम रनिंग ऑन द कंप्यूटर एट द मोमेंट। और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो नीचे यहाँ पर शो करता है कि जो जो प्रोग्राम यहाँ पर ओपन हुए हैं। बटन्स रिप्रेजेंटिंग ओपन प्रोग्राम्स। अगर आपने जैसे एक समय में बहुत सारे प्रोग्राम्स खोल रखे हैं तो वो सारे यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि ये आप इनके ने ओपन कर रखे हैं। अब आपका आएगा स्टार्ट एंड स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मीनू। स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मीनू क्या होता है? वी कैन सी द स्टार्ट बटन। हम स्टार्ट बटन को देखते हैं एट द लेफ्ट एज में, लेफ्ट एज में यहाँ देखते हैं हम स्टार्ट बटन। ये देखिए टास्क बार के, व्हेन वी क्लिक द स्टार्ट बटन, जब हम स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं तो अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस ओपन अप। तो एक ऐसे ही लिस्ट आपकी देखिए ये ओपन होके आ जाती है। जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसी लिस्ट आपकी ओपन होके आ जाएगी। दिस लिस्ट इज कॉल्ड द स्टार्ट मेनू। इस लिस्ट को क्या कहते हैं हम लोग? स्टार्ट मेनू कहते हैं। इट शोज अस वेरियस लिंक, इसमें बहुत सारे लिंक्स होते हैं दैट वी नीडेड टू यूज़ ऑन अवर कंप्यूटर, जो हमें हेल्प करते हैं हमारे कंप्यूटर को यूज़ करने में। द स्टार्ट मेनू इज शो इन द पिक्चर्स बिलो। जो स्टार्ट मेनू होता है ये इस पिक्चर में देखिए आपको दिखा दे रहा है, साफ क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये स्टार्ट मेनू है। ये पिक्चर्स में आपको क्लियरली हो रहा है ये स्टार्ट बटन है। जब हम उसको ओपन करेंगे तो स्टार्ट मेनू को क्या आ जाएगा, उसमें सारे लिंक्स आपके ओपन हो जाएंगे। मूव द माउस पॉइंटर को मूव करते हैं अवर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट बटन एंड सी दैट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द ऑप्शन चेंजेस। दिस शो दैट द आइटम टू विच द पॉइंटर इज मूव्ड गेट सिलेक्टेड। इफ वी क्लिक द माउस बटन वंस इट रन्स द रिलेटेड प्रोग्राम। जब हम माउस पॉइंटर को अपवर्ड स्टार्टिंग एंड द स्टार्ट बटन पे करते हैं तो बैकग्राउंड में कलर्स आपका आ जाता है। तो देखिए इस ब्लू कलर आपका एक्टिव हो जाता है, तो जिसमें आप मूव करेंगे तो वो ब्लू कलर से दिखने। अगर आपको उसको खोलना है, सिलेक्ट करना है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, सिंपली माउस बटन एक बार क्लिक करेंगे तो वो अपने ऑटोमेटिकली आपका वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। आप उसको जो भी आपको खोलना है वो आपकी खुल जाएगी। वेयर ऑप्शन हैव Where options have a sign at the right pointing, if it will it with the mouse opens a new list of options. जब आप इसको खोलते option have a sign at the right point में the mouse open a new list open new राइट जब हम माउस को क्लिक करते हैं तो न्यू ओपन आपकी खुल के आ जाती है, न्यू ऑप्शन आपकी लिस्ट। दिस लिस्ट इज कॉल्ड द सब मीनू, ये आपकी सब मीनू कहलाती है। That is a menu within a menu, जो menu के अंदर एक menu होती है। It is another list of option of choose from, ये एक दूसरी list होती है। Let us have a look at some of the option in the start menu. Start menu के और हम कुछ option पढ़ेंगे, जैसे कि all programs, एक आपका इसमें होता है all programs। अब जब स्टार्ट मेनू के नीचे यहाँ पर देखिए ऊपर ये आल प्रोग्राम्स बना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल के आ जाएगा। आल प्रोग्राम्स ऑप्शन जो होता है यूज टू सी द लिस्ट इज अवेलेबल प्रोग्राम एंड सिलेक्ट अ प्रोग्राम टू रन इट। ये सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट होती है, आपको जो जो प्रोग्राम्स में आपके कंप्यूटर में वो सारे होंगे इसमें, और आपको जो भी खोलना होगा वो उसमें जाकर ओपन हो जाएगा, आप उसको ओपन कर सकते हैं। टू रन एनी प्रोग्राम फ्रॉम द मीनू वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट्स नेम एंड द आल प्रोग्राम मीनू में। हमें जो भी प्रोग्राम रन कराना होता है तो आल प्रोग्राम में जाकर हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका रन हो जाएगा, खुल जाएगा। वैन वी चेंज स्टार्ट मीनू स्टाइल टू क्लासिकल द ऑल प्रोग्राम ऑप्शन चेंज टू प्रोग्राम। अगर हम को आपके स्टार्ट मीनू के अगर चेंज करना चाहते हैं, क्लासिकल करना चाहते हैं, तो भी वो प्रोग्राम आपका चेंज हो जाता है, सारे ऑप्शन उसके चेंज हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स, द डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन शोज अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली क्रिएटेड और यूज्ड फाइल। जो डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन होता है वो आपकी रिसेंटली जो आपने फाइल बनाई है वो उसमें जाकर
सेव हो जाती है, यूज़ करते हैं उन फाइलों को। सेटिंग क्या होता है? सेटिंग ऑप्शन इज़ यूज टू सी और चेंज द सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर। सेटिंग ऑप्शन आपका जो होता है वो चेंज कर देता है आपके कंप्यूटर की सेटिंग को, अगर आपको कुछ भी उसमें चेंज में करना होता है। सर्च, सर्च ऑप्शन अब आपका आएगा। सर्च क्या करता है? द सर्च ऑप्शन यूज टू लुक फॉर स्पेसिफिक फाइल्स और फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर रन। अगर आपका कंप्यूटर में कोई फाइल आपको सर्च करनी है तो उस पर आप उसमें क्लिक कर कर नेम लिखकर उसको सर्च भी कर सकते हैं। रन आपका क्या हुआ? दिस ऑप्शन लेट्स अस स्टार्ट अ प्रोग्राम टू अवर च्वाइस। दिस ऑप्शन जो आपका होता है ये स्टार्ट करता है प्रोग्राम को आपकी च्वाइस पर, रन करता है आपको कौन सी रन करनी है कौन सी नहीं करनी है। अब आपका आ गया टर्न ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को टर्न ऑफ कैसे करते हैं? बहुत इजी वे है, आपको मालूम है। टर्न ऑफ कंप्यूटर ऑप्शन अलाउ अस टू क्लोज द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड शट डाउन द कंप्यूटर इन द प्रॉपर वे। टर्न ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? जब आपको अपना विंडो क्लोज करना होता है, अपना वर्क आपका कंप्लीट हो गया, आपको विंडो क्लोज करना है, तो शट डाउन बटन में जैसे ही देखिए टर्न ऑफ कंप्यूटर करेंगे तो ऐसे आपके बटन आ जाएंगे थ्री। अब एक होता है स्टैंड बाय, टर्न ऑफ, एक रीस्टार्ट। तो आपको टर्न ऑफ करना है, मिडिल के बटन पर क्लिक करेंगे आपका प्रॉपरली कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा। व्हेन वी हैव फिनिश अवर वर्क, जब हमने अपना कोई काम कंप्यूटर में कंप्लीट कर लिया है तो वी नीड टू फॉलो अ प्रॉपर टर्न ऑफ प्रोसेसर बिफोर स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर। हमको ऐसे नहीं कि आपको कंप्यूटर बंद करना है तो डायरेक्टली पावर सप्लाई की बटन ऑफ कर दी कंप्यूटर बंद हो गया, नहीं, इसको प्रॉपर तरीके से आपको स्विच ऑफ करना होता है। जब आपका काम हो जाए तो उसको प्रॉपर तरीके से स्विच ऑफ करेंगे, नहीं तो आपके कंप्यूटर की जितनी भी फाइलें वगैरह होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका डैमेज हो सकता है। टू शट डाउन विंडोज क्लिक ऑन द टर्न ऑफ कंप्यूटर। जब आपको शट डाउन करना है तो पहले टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन इन द स्टार्ट मेनू में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसे ही आपका खुल के आ जाएगा, फिर आप उसमें दिया होगा नीचे कि आपको क्या करना है। तो अब आप क्या करेंगे, टर्न ऑफ ऑप्शन जो बॉक्स में दिया हुआ उस पर क्लिक करेंगे। आफ्टर सम टाइम्स द पिक्चर विल डिसअपियर फ्रॉम द स्क्रीन एंड सीपीयू कीबोर्ड माउस पावर विल स्विच ऑफ। ये सारी चीज़ें आपकी स्विच ऑफ हो जाएंगी। नाउ टर्न ऑफ मॉनिटर, फिर उसके बाद आप मॉनिटर को टर्न ऑफ करेंगे, यूपीएस को करेंगे, स्पीकर को करेंगे एंड मेन पावर बोर्ड वन बाय वन इसको टर्न ऑफ करेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ फॉर ए कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरे कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इट। एक कंप्यूटर जो होता है वो इसके बिना काम नहीं कर सकता है। इट हेल्प अस इन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, ये आपकी हेल्प करता है आपके कंप्यूटर में काम करने की। सो वी मस्ट बी वेरी गुड एट यूजिंग इट, तो ये बहुत ही अच्छा होता है इसको यूज़ करना। सो वी मस्ट बी वेरी गुड एट यूजिंग इट, सो हमें हमें यूज़ करना चाहिए इसको, आपके ये अच्छा होता है यूज़ करना। सो प्रैक्टिस यूजिंग द वेरियस फीचर्स डिस्कस्ड इन दिस लेसन। सो आपके इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि आपके कौन कौन से जो हैं आपके उसके बारे में इस चैप्टर में वेरियस फीचर्स हैं क्या है प्रैक्टिस, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा अच्छे से। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो भी क्वेरी है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप इसके फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपको जो अगर ना भी आए तो आप उसको बाद में मैं इसकी एक्सप्लेन वीडियो भेजेंगे इसको, तब आप इसको समझ लेंगे। आप अपने चैप्टर मैंने रीड करा दिया है तो आप इसके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करने की कोशिश करेंगे, बाद में आप इसको मैच कर सकते हैं अपने आंसर से। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और चैप्टर फुली कंप्लीट हो गया, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।